अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पत्ता गोभी। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, उसमें मैंने धनिया डाल के कूट लिया था। उसके बाद मैंने ये अनियन ग्रीन वाले डाले हैं, इसमें मेथी डाली है, पालक डाली है और नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो टाइम कम था तो तारी में तो मैंने कहा आपको रेसिपी दिखा दूँ। अभी ये फ्राई हो रहा है, इसमें हल्का सा पानी है। यहाँ पे मेरे पास है पत्ता गोभी, ठीक है। इसको मैंने वॉश किया है, उसके बाद कट कर लिया है, उसके बाद दोबारा से वॉश किया है। हमारे पास नीट एंड क्लीन है और कटिंग है इसकी। सो ये हमारे पास आलू है, ठीक है। हमने आलू के साथ बनानी है। इसमें मैंने मेथी भी डाली है, ठीक है। उसके बाद पालक भी ऐड की है, उसके बाद ग्रीन चिलीज भी ऐड की है और जो है इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन अनियन यूज किए हैं, ठीक है। और स्पाइसेस में मैंने जस्ट हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक ऐड किया, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहां मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है वो पत्तों में अच्छी तरह से चला जाए, मसाला हमारा नीचे ना लगे, ठीक है। और इसको हम कवर कर देंगे हल्की आंच पर, पानी नहीं आपने डालना इसमें, ठीक है। हल्की आंच पर आपने इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। विद इन 5 मिनट हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारी गोभी भी फ्रेशली पक जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। खाना चेक करते हैं, हमारा खाना कहाँ तक पहुंचा है। ऑलमोस्ट ये पक चुका है, खुशबू आ रही है, देखिए इतना यमी है इसका टेक्सचर। अब हम इसमें थोड़े से जो धनिया ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे, साथ में हम जो है जीरा ऐड कर देंगे। सो इसको अब सर्व कर लेते हैं हम। सो दिस इज द फाइनल लुक। ये हमारी आलू और गोभी की फाइनल लुक।